दोस्तों धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस के उपलक्ष्य में कितने लोग आते हैं, क्या क्या होता है? ये पाइप्स वगैरह यहाँ पे लगे हुए हैं, यहाँ पे कोई स्टॉल्स वगैरह लगते नहीं है, यहाँ से सिर्फ पब्लिक के लिए जगह ओपन की जाती है। और यहाँ अगर आपको स्टॉल्स में जाना है तो जो मैंने आपको पार्किंग एरिया बताया वहीं से आपको एंट्री करना पड़ेगा। और यहाँ से जो आपको ये गेट नज़र आ रहा होगा यहीं से हमारा एग्जिट होता है। नमो बुद्धाय, जय भीम आप सभी को। दोस्तों मैं हूं अश्विन गणवीर, एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि अभी 14 अक्टूबर और सम्राट अशोक का विजयादशमी बहुत ही नज़दीक है, और यहाँ पे नागपुर शहर में पूरी दुनिया से लोग आते हैं दीक्षा भूमि में बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए। लेकिन मैक्सिमम लोग नए होते हैं तो लोगों को पता ही नहीं होता है कि दीक्षा भूमि में कैसे जाना है, कौन सी ट्रेन पकड़ना है, कौन सी बस पकड़ना है। सो आज के व्लॉग में हम पूरा कवर करने वाले हैं, क्योंकि आप लोग नागपुर में आने वाले हो तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि आपको सही सलामत और बराबर तरीके से नागपुर के पवित्र दीक्षा भूमि तक सेफली पहुंचाया जाए, ताकि लोग आपको कैसे करते हैं डायरेक्शन भटका देते हैं। सो वो हम आपको नहीं कराएंगे, आपको हम प्रॉपर गाइडेंस देंगे। सो चलिए व्लॉग को देखिए और अंत तक पूरा देखने के बाद वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको पहुंचना पड़ेगा रहाटे कॉलोनी के मेट्रो स्टेशन पे, यहीं से आपको दीक्षा भूमि में जाने का इजी वे मिलेगा। सो चलिए चलते हैं आगे। अब ज़रा ध्यान से समझो, यहाँ पे रोड के बगल साइड में भी दो गेट्स है, ये वाला एक और ये सेकेंड इधर साइड में, और रोड के इधर साइड में भी दो गेट है, तो आपको इधर उधर नहीं भटकना है, सीधा सामने में जो रहाटे कॉलोनी का चौक है वहाँ पे जाना है, ठीक है। यहाँ से जब लोग आओगे तब यहाँ से लेफ्ट लेना, और यहाँ से करीबन 1 से 1.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, और तब जाके आप पहुँचोगे दीक्षा भूमि में। चलिए चलते हैं। दोस्तों ये है रहाटे कॉलोनी का स्क्वायर, और यहाँ से आप लोग जब लेफ्ट आते हो तो यहाँ पर आपको ड्यूरिंग द इवेंट आपको गेट्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे, और यहाँ से हम सीधा पैदल पैदल चलेंगे। यहाँ पे फुटपाथ पे पूरी दुकानें वगैरह लग जाती हैं, आजू बाजू साइड में नल की सुविधा की जाती है, पानी की व्यवस्था की जाती है यहाँ पे। कैसा है दोस्तों, जब लोग आप लोग यहाँ से गुजरोगे तब आपको दोनों साइड में स्टॉल्स वगैरह देखने को मिलेंगे अलग अलग टाइप्स के। यहाँ पे थ्रू आउट द रोड पे नल की फैसिलिटी की जाती है, पानी पीने की सुविधा होती है, और इसमें इधर कपड़ों की वगैरह दुकानें पूरी लग जाती है, और यहाँ पे वॉशरूम की वगैरह पूरी फैसिलिटीज़ की जाती है, ऑर्केस्ट्रा वगैरह चालू रहते हैं, सुगम संगीत प्रबोधन के कार्यक्रम पूरे चालू रहते हैं। चलिए चलते हैं और आगे आगे, और दिखाता हूँ आपको कि वो जो मंजर आप लोग देखने वाले हो ड्यूरिंग द सम्राट अशोक विजयादशमी, उस टाइम पर कैसा माहौल होने वाला है, उसका पहला वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर आने वाला है। सो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपको दीक्षा भूमि से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होने वाले हैं इस बार मैं आपको पूरे के पूरे वीडियोस से के माध्यम से बताने वाला हूँ। चलिए दोस्तों यहाँ पे एक बात बता दूँ आपको कि यहाँ पे ना तो ऑटो चलता है ना ही कोई गाड़ी चलती है, क्योंकि वहाँ से वो रोड से पूरा बंद कर देते हैं, और यहाँ से आपको सिर्फ पैदल और पैदल चलना पड़ता है। और ऐसा मुझे अभी आपको लग रहा होगा कि बहुत दूर पड़ता है ये 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस, 1 से 1.5 किलोमीटर का, लेकिन यकीन मानो दोस्तों उस टाइम पर ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि जो माहौल बन जाता है पूरी जगह जगह पे बुद्ध बिंबित सुनाई देते हैं, लोगों की चहल पहल होती है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और मज़ा आता है कि कहाँ जाए कहाँ नहीं। तो जगह जगह पर भोजन दान वगैरह चलते रहता है, और भी बहुत कुछ होता है, बहुत ही मज़ा आता है। आप लोग अगर नए हो तो यहाँ पे ज़रूर विज़िट करिएगा, क्योंकि बाबा साहब की क्रांति भूमि जो है वो
नागपुर रहा है हमेशा से। दोस्तों देख सकते हो ये पाइप्स वगैरह यहाँ पे लगे हुए हैं, ये वही लोकेशन, ये वही पॉइंट्स है जहाँ पे आपको नल की फैसिलिटी मिल जाएगी। NMC के माध्यम से पूरी जगह आप सभी को पानी की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है। देख सकते हो हर एक थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे नल के पाइप्स गड़े हुए हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बस बॉटल लेके आ जाओ और पानी भर के पी सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलो चलते हैं। ये बगल में आपको ग्राउंड दिख रहा होगा, वहाँ पे ऑर्केस्ट्रा सुगम संगीत का प्रोग्राम वगैरह चलते रहता है। उसके बाद ये जो ओपन स्पेस दिख रही है, यहाँ पे वॉशरूम की वगैरह फैसिलिटी अवेलेबल कराई जाती है। और आगे चलते हैं और कमेंट्स में दोस्तों नमो बुद्धाय जय भीम लिखना मत भूलिएगा। और वीडियो कैसा लग रहा है, कौन सा पॉइंट आपको पसंद आ रहा है क्या नहीं, वो मुझे सब कुछ कमेंट्स में बताइए, क्योंकि वीडियो अमेजिंग है और पहला वीडियो 2023 का धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस का जो पहला पर्व है, सदुसष्टवा है एक्चुअली, पर उसका जो फर्स्ट वीडियो हम लोग डाल रहे हैं, सो इसलिए वीडियो को लाइक करो। दोस्तों धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के उपलक्ष में कितने लोग आते हैं, क्या क्या होता है, अगर ये आपको देखना है तो ऊपर आई बटन में मैं आपको दे दूंगा वीडियो की लिंक, आप लोग जाके देख सकते हो कि क्या माहौल होता है, क्या टाइम पर, उस टाइम पर हमने व्लॉग्स बनाए थे, वो व्लॉग्स आप लोग देख सकते हो। दोस्तों चलते चलते हम लोग पहुँच जाते हैं समाज कल्याण विभाग में, जो कि लेफ्ट साइड में होता है। और यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर एग्जीबिशन लगाया जाता है बाबा साहब के ऊपर, ये भी बहुत ही प्यारा होता है, आप लोग देखोगे जिस दिन ये होगा। इसका भी वीडियो लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, आप लोग देख सकते हो कि किस टाइप से समाज कल्याण विभाग को सजाया जाता है और भी बहुत कुछ होता है। अभी ज़्यादा दूर नहीं है, बस पहुँच ही गए हम, ऑलमोस्ट 100 से 200 मीटर की दूरी बाकी है सिर्फ। चलिए दोस्तों, अगर आप लोग ये वीडियो नागपुर से देख रहे हो और यहाँ पे अगर आपको स्टॉल की बुकिंग वगैरह करनी है तो वो इवेंट के जस्ट एक महीने पहले से करने पड़ती है, क्योंकि तब उस अगर आप टाइम पे आओगे तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगा, आपको मिलेगा नहीं। और दीक्षा भूमि का जो परिसर होता है वहाँ पे हमें स्टॉल नहीं मिलते, आप लोग जो ये रोड देख रहे हो यहीं पे पूरे स्टॉल्स वगैरह लग जाते हैं और उसके बगल साइड में, लेकिन जो दीक्षा भूमि का मेन एरिया होता है, मेन रोड जहाँ से जो पूरा है, वहाँ पे कोई भी स्टॉल लगाने की परमिशन नहीं होती है। और बस देख सकते हो आगे वाला जो चौक है, यह है अन्ना भाऊ साठे चौक, और यहीं पे है हमारी पवित्र दीक्षा भूमि। सो चलिए दोस्तों, आप लोग जो ये देख रहे हो ये बिल्डिंग, ये वसती गृह है, शासकीय वसती गृह है। पहले यहाँ पे जो बाहर से लोग आते थे उनकी रहने की जगह यहाँ पे हुआ करती थी, यहाँ पे पूरा अरेंजमेंट किया जाता था। अभी पता नहीं, काम तो चल रहा है फिलहाल, लेकिन अभी यहाँ पे रहने की सुविधा फैसिलिटी होगी कि नहीं ये हमें पता नहीं है, जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है मैं आपको बताऊँगा। और दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं अन्ना भाऊ साठे चौक में, और देख सकते हो दीक्षा भूमि आपको नज़र आ रही होगी। रोड को देखते हुए थोड़ा सा, और ये है हमारी पवित्र दीक्षा भूमि जो कि हम पहुँच चुके हैं। चलिए दोस्तों, दीक्षा भूमि के परिसर में आते ही सबसे पहले हमें दर्शन होते हैं, जो कि पद्मश्री कर्मवीर दादा साहेब गायकवाड़ जी के। और आगे हमें फिर चलेंगे हम अंदर नागपुर की पवित्र दीक्षा भूमि पे। वीडियो को लाइक करो दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब करो। अब देखो यहाँ पे जो दोनों साइड्स के जो रोड है, यहाँ पे कोई स्टॉल्स वगैरह लगते नहीं है, यहाँ से सिर्फ पब्लिक के लिए जगह ओपन की जाती है। और आगे में है मेन एंट्रेंस गेट जहाँ से हम लोग चलेंगे दीक्षा भूमि के परिसर में। दोस्तों अगर आप नॉर्मल डेज में आते हो दीक्षा भूमि पे विज़िट करने के लिए, तो यहाँ पे दीक्षा भूमि पार्किंग स्थल है, पार्किंग एरिया अलॉट किया गया है, यहाँ से आप लोग अंदर में पार्किंग कर सकते हो
और वहीं से गेट है, वहीं से आप लोग अंदर चल सकते हो। अभी दोस्तों हाल ही में G20 हुआ था, सो G20 के उपलक्ष्य में पूरे यहाँ पे 20 कंट्रीज़ के फ्लैग्स लगे हुए थे। अभी G20 हो गया तो यहाँ पे उन्होंने पूरे पंचशील के ध्वज लगा दिए हैं, और ये विथ रिस्पेक्ट टू फेस्टिवल्स फ्लैग्स को चेंज करते रहते हैं। तो जो उस पर जो गेटअप आता है दीक्षा भूमि पर, वो बहुत ही ऑसम होता है, बहुत ही प्यारा होता है। और अगर आप लोग स्टार बस से आ रहे हो तो यहाँ पे दीक्षा भूमि का स्टॉप भी है, आप यहाँ से डायरेक्टली बर्डी से यहाँ पे बस आती है, सो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है अपने को। और दोस्तों ये है दीक्षा भूमि का मेन एंट्रेंस गेट, यहाँ से हम लोग चलेंगे अंदर। अभी आपको बता दूँ कि ये साइड से पूरी क्यू चालू हो जाती है, उधर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कॉलेज है वहाँ से एंट्री होती है, सो यहाँ से पूरा कड़घरे वगैरह लग जाते हैं यहाँ से अगर, और वहाँ पे अंदर में पूरे स्टॉल्स लगते हैं फिर से। और यहाँ अगर आपको स्टॉल्स में जाना है तो जब मैंने आपको पार्किंग एरिया बताया वहीं से आपको एंट्री करना पड़ेगा, और इधर साइड से मेन गेट से अगर एंट्री करोगे तो खाली दर्शन के लिए आप लोग वहाँ पे अंदर जा सकते हो। चलिए चलते हैं और देखते हैं। और दोस्तों ये है मेन दीक्षा भूमि। दोस्तों सबसे पहले आते ही अंदर में हमें लेफ्ट साइड में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ये जो प्रिंट है, यहाँ पे एक पिलर बनाया गया है, ये हमें देखने को मिलता है, आप लोग पढ़ सकते हो। उसके बाद जहाँ जिस दिन शिलालेख का अनावरण हुआ था, मतलब 30 अगस्त 2023 को, वो वहाँ पे लगाया गया है। इसके बाद हम लोग चलते हैं अंदर, और यहाँ पे आने के बाद दोस्तों राइट साइड में जो है यहाँ पे आप लोग चप्पल वगैरह रख सकते हो, लेकिन ड्यूरिंग द धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस यहाँ पे आपको चप्पल पहन के ही अंदर जाना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, मैं एक बार फिर से बता दूं कि आपको चप्पल पहन के ही अंदर जाना पड़ता है धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के उपलक्ष्य में। ये जो होता है ये पूरा बंद होता है, और यहाँ पे पूरे मीडिया वाले वगैरह कवरेज करते रहते हैं ऑल टाइम, पूरा लाइव आपको देखने को मिल सकता है, और अपने यूट्यूब चैनल पर भी आ जाएगा। चलिए चलते हैं और फटाफट कराता हूँ आपको दर्शन। दोस्तों आगे चलते ही हमें तथागत भगवान गौतम बुद्ध और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के दर्शन होते हैं, और यहाँ पे हमें जाने के लिए ऐसे राउंड में गोल घूम के जाना पड़ता है। अभी ये थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आया कि इनका फेस ये डायरेक्शन में क्यों दिया गया, इसके बारे में मैं थोड़ा सा रिसर्च करता हूँ। दादा खाली उतरा, खाली उतरा, और देख सकते हो दोस्तों तथागत भगवान गौतम बुद्ध की सुंदर मूर्ति हमें यहाँ पर देखने को मिली। और चलते हैं, सूरज वहाँ पे डूब रहा है, बहुत ही अद्भुत। और यहाँ पे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की सुंदर प्रतिमा हमें यहाँ पे देखने को मिली, जो कि आवड़े बाबू ने इसकी स्थापना की थी। यहाँ पे सिर्फ जो VIP लोग होते हैं सिर्फ उन्हीं को जाने की परमिशन होती है ड्यूरिंग द प्रोग्राम, बाकी कोई जा नहीं सकता क्योंकि ये पूरा बंद रहता है। और दोस्तों बता दूँ कि यहाँ पे पूरा ऐसी मतलब पेंडोल लगाया जाता है, और यहाँ से पूरी लाइटिंग वगैरह लगाई जाती है, और ये पूरा लाइव चलते रहता है इवेंट। और यहाँ से हम लोग चलेंगे सीधा स्तूप के अंदर, जहाँ पे इस समय बाबा साहब की अस्थि कलश रखी गई है। और दोस्तों एक बात बता दूँ, ये जो तथागत भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति है यही हमें स्तूप के अंदर देखने को मिलती है, और एक थाईलैंड से आई हुई है रिसेंट गौतम बुद्ध की मूर्ति, वो भी वहीं पर रखी गई है। अभी अंदर से भी आपको दिखाऊंगा। यहाँ से हम लोग चलते हैं अंदर दीक्षा भूमि का, ये है दोस्तों मेन एंट्रेंस गेट ये वाला, यहाँ से आप लोग जाते हो और वो साइड से इधर से एग्जिट होता है। दोस्तों पहले ये बहुत ही प्यारी तरीके से सजाया गया था, मतलब ग्रीनरी थी, पूरा पहाड़ी टाइप बनाया था, यहाँ पे घास वगैरह रहा करती थी,
अब देख सकते हो कि इसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट है। इसके ऊपर प्रशासन कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है। दोस्तों ये वाला है एग्ज़िट गेट, वहाँ से आप लोग मेन एंट्रेंस से, जब मेन गेट से एंट्री करते हो तब ये गेट से आप लोग बाहर आते हो। और इसके पीछे में आप लोग देख सकते हो वहाँ पे है टॉयलेट की फैसिलिटी अवेलेबल की गई है। यहाँ से आप लोग आओगे और यहाँ से चलोगे, देख सकते हो दोस्तों कि ये पीपल का पेड़ हमें यहाँ पे देखने को मिलता है जैसे ही हम लोग एग्ज़िट करते हैं। वैसे तो हम जैसे ही आते हैं तो हमें राइट साइड में देखने को मिल जाता है। अभी एक इम्पॉर्टेंट कि अभी ये जो पैसेज है यहाँ से हम लोग एग्ज़िट नहीं कर सकते, ये पूरा बंद रहता है, हमें यहाँ से लेफ़्ट लेना पड़ता है। जब हम लोग लेफ़्ट लेते हैं तो हमें पड़ता है डॉक्टर अंबेडकर कॉलेज, और यहाँ से जो आपको ये गेट नज़र आ रहा होगा यही से हमारा एग्ज़िट होता है। यहाँ से हम लोग जाते हैं और सीधा जो अंबेडकर कॉलेज का जो मेन गेट है वहाँ से हम लोग एग्ज़िट करते हैं। तो ये है, और अभी अंदर से और दिखाता हूँ आपको। दोस्तों देख सकते हो यह पीपल का पेड़, इसका निर्माण श्रीलंका से लाई हुई जो जड़ें थी उसी से ये बनाया गया था। और श्रीलंका में जो जड़ें लगाई थी वो बुद्ध गया से आई हुई थी, तो मतलब बुद्ध गया से लाई हुई पीपल के पेड़ की जड़ें आज दीक्षा भूमि में हमें देखने को मिलती है। दोस्तों आज के व्लॉग में बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए, और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों इसी के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम।